हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। कमलाज किचन में एक बार फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। तो आज हम मटन फ्राई बनाएंगे और बहुत ही स्वादिष्ट मटन फ्राई बनाएंगे। इसके लिए आप हमारे वीडियो में लगातार बने रहें। तो इसके लिए हमने ये लगभग 1.5 किलो मटन लिया है। ये देखिए, इसको हमने अच्छे से धोकर बिल्कुल साफ़ कर लिया है और बिल्कुल ताज़ा मटन है, आप देख सकते हो। ये हमने 2 बड़े साइज़ के टमाटर जिसको कट कर लिया है, ये हमने 7 हरी मिर्ची जिनको कट कर लिया है, ये 2 प्याज जिनको हमने कट कर लिया है, और ये लहसुन का पेस्ट। लहसुन हमें मटन में थोड़ा ज़्यादा मात्रा में लेना है। ये 3 छोटे चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक लेंगे अपने स्वाद के अनुसार, 2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर, 1.5 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, और ये हमने लिया है ऑयल, सरसों का ऑयल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मटन बनाना। इसके लिए हमने एक कुकर लिया है, कुकर हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर ऑयल डालेंगे, लगभग 2 बड़े चम्मच सरसों का ऑयल डालेंगे। तो ये हमने 1 चम्मच डाल दी और ये हमने 2 चम्मच डाल देंगे। तो ये हमने 1.5 किलो मटन के हिसाब से 2 बड़े चम्मच सरसों का ऑयल डाल दिया है। ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम इसके अंदर जीरा डाल देंगे। जीरे को थोड़ा हल्का ब्राउन होने देते हैं। तो जीरा हमारा हल्का ब्राउन हो चुका है, मतलब कि हमारा जो ऑयल है वो बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो चुका है। अब हम इसके अंदर डालेंगे प्याज और इसके साथ ही डाल देंगे हरी मिर्ची। और हरी मिर्ची और प्याज को अब हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है ऑयल के अंदर, जब तक कि ये ब्राउन हो जाए, थोड़े हल्के ब्राउन हो जाए, इनका कच्चापन निकल जाए। तो ये देखिए, प्याज और हरी मिर्ची बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। ये देखिए, ब्राउन से भी हो गए हैं, कलर चेंज हो गया है। तो चलिए अब पेस्ट बना लेते हैं। एक अलग बर्तन में हमने लहसुन का पेस्ट डाल दिया, उसके अंदर हमने लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है, ये हमने धनिया पाउडर डाल दिया है, और अब डालेंगे हल्दी पाउडर, और अब डालेंगे नमक, और अब थोड़ा सा पानी डाल देंगे और चम्मच की सहायता से इसका एक अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लेंगे, जो हमारी सब्जी मटन है उसका स्वाद दुगुना बढ़ा देगा। ये पेस्ट से बहुत अच्छी ग्रेवी बनेगी, जिससे सब्जी का स्वाद भी बढ़ेगा और इसकी सुंदरता भी बढ़ेगी। सब्जी बहुत ही दिखने में भी अच्छी लगेगी। तो ये देखिए, मटन हमारा बिल्कुल रेडी है, साफ़ कर लिया हमने अच्छे से। अब हम इसके अंदर मटन डाल देंगे। देखिए, आप देख सकते हो प्याज और हरी मिर्ची बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम मटन को भी फ्राई करेंगे, इसीलिए हमने मटन फ्राई नाम दिया है इसको। अब मटन को हमें फ्राई करना है पहले ऑयल के अंदर। बहुत ही टेस्टी मटन बनेगा जब आप फ्राई करके मटन बनाओगे, तो मटन बहुत टेस्टी बनता है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें मेरी इस रेसिपी को। तो ये देखिए, मैंने पूरा मटन कुकर के अंदर ऐड कर दिया है। अब मैं चम्मच की सहायता से इसको बिल्कुल अच्छे से, लगभग 5 मिनट तक चम्मच की सहायता से इसको मैं फ्राई करूँगी। हाई फ्लेम रखना है हमें गैस का। तो ये देखिए, चम्मच से हमें बिल्कुल उलटते पलटते रहना है, एक जगह नहीं रहने देना, वरना मटन जो है वो चिपक भी सकता है और आधा मटन कच्चा रह जाएगा। इसलिए मैं चम्मच की सहायता से इसको लगातार हिलाते रहूँगी। तो ये देखिए, तभी हमारा मटन बिल्कुल अच्छे से फ्राई होगा। आप हमारे वीडियो में लगातार बने रहें। तो ये हमारा मटन फ्राई हो जाता है, तब तक हम जो हमने पेस्ट लिया था वो बिल्कुल अच्छे से रेडी कर लेते हैं। तो ये देखिए, पानी डाल दिया है और बिल्कुल अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो ये हमारा पेस्ट भी बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये देखिए, बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेना इसको, ताकि जो सभी मसाले हैं वो बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो आप देख सकते हो, हमारे जो सभी मसाले हैं वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, मिक्स हो चुके हैं। अब इधर हमारा जो मटन है वो बिल्कुल अच्छे से फ्राई है। एक बार और चम्मच की सहायता से इसको हम उलट पलट देंगे, जिससे जो कच्चा ऊपर का जो कच्चा मटन है वो अच्छे से फ्राई हो जाए। तो आप देख सकते हो, हमारा जो मटन है वो फ्राई हो चुका है। आप देख सकते हो, इसमें जो इसमें टाइटपन सा आ गया है थोड़ा, तो मतलब कि मटन थोड़ा फ्राई हो गया है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे जो हमने ग्रेवी तैयार की थी, वो डाल देंगे। तो ये देखिए, हमने ग्रेवी डाल दी है, पूरी ग्रेवी डाल दी है।
और अब इसको भी हम अच्छे से चम्मच से बिल्कुल अच्छे से मिक्स करना है हमें, ताकि जो ये मसाला है वो मटन के अंदर अच्छे से अब्जर्व हो जाए। तो ये देखिए, ऑयल और हमारा मटन और मसाला बिल्कुल अच्छे से मिक्स करना है हमें। लगभग 5 मिनट तक इसको वापस मिक्स करना है, तभी हमारी सब्जी बहुत ही टेस्टी बनेगी। आप एक बार मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, आपसे रिक्वेस्ट है, सबको बहुत पसंद आएगी। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगी आपको आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो ये देखिए, मैंने सभी मसाले को मटन के अंदर अच्छे से मिक्स कर दिया है चम्मच की सहायता से। तो ये देखिए, मिक्स कर दिया है पूरे मसाले को अच्छे से। अब हम इसके अंदर डालेंगे टमाटर, लास्ट में हमें टमाटर डालने हैं। अब टमाटर को भी हम चम्मच से अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए, टमाटर को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। टमाटर से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है सब्जी के अंदर। आपके लिए मैं दही मटन रेसिपी भी लेके आऊँगी, उसमें टमाटर नहीं डालेंगे, उसमें दही डालेंगे, उससे भी बहुत अच्छी सब्ज़ी बनती है और टमाटर से भी अच्छी सब्ज़ी बनती है। आप एक बार इस तरीके से भी बनाएं, बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनती है, मटन फ्राई अच्छी बनेगी। तो ये देखिए, हमने टमाटर को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब आप अगर चाहो तो पानी डाल सकते हो, अगर आपको कितनी ग्रेवी पसंद है। तो मैंने इसमें लगभग 1 गिलास पानी डाला है। तो ये मैंने पूरा गिलास पानी डाल दिया है, और वैसे आप अपने अकॉर्डिंग ग्रेवी तैयार कर सकते हो कि आपको कितनी ग्रेवी चाहिए। अगर आपको सूखा चाहिए तो पानी मत डालो। तो ये देखिए, पानी को भी मैं मसाले और मटन के अंदर अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। तो ये हमारा पानी और जो मसाला है, मटन है, वो बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम कुकर के ऊपर ढक्कन लगा देते हैं और इसमें लगभग 5 सीटी लगने देते हैं। 5 सीटी लग चुकी है, उसके बाद में हम देखेंगे, 5 5 सीटी लगने के बाद हम देखेंगे कि हमारी जो सब्जी है वो बिल्कुल पककर रेडी हुई है या नहीं हुई। तो ये 5 सीटी लग चुकी है। ये देखिए, सब्जी में बिल्कुल अच्छे से उबाल आ गया है, आप देख सकते हो। अब हम इसको चेक करेंगे कि हमारी सब्जी परफेक्ट बनकर तैयार हुई है या नहीं हुई। तो ये देखिए, वापस से इसको चम्मच की सहायता से मिक्स कर देंगे। आप देख सकते हो कितना सुंदर कलर आया है, बहुत ही अच्छा कलर आया है, और सब्जी का टेस्ट तो उससे कहीं ज़्यादा दुगुना है। ये देखिए, इसकी जो ग्रेवी है वो भी बहुत ही अच्छी है। अगर आपको लग रहा है कि ग्रेवी थोड़ी सी पतली हो गई, तो आप कुकर को थोड़ी देर खुला छोड़ दो और उसको पका लो, ग्रेवी अपने आप टाइट हो जाएगी। तो ये देखिए, हमारी जो सब्जी है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अगर इसमें थोड़ी सी कमी रह गई तो आप वापस इसको, अब हम चेक कर लेते हैं कि ये पकी है या नहीं पकी। बीच में हमें पक्का चेक करना है, वरना ये हमारा जो सब्ज़ी है वो या तो गल जाएगी या कच्ची रह जाएगी। तो ये देखिए, हमने चेक कर ली है, तो हमें लगता है कि थोड़ी सी ये कच्ची रह गई। तो अब वापस इसके सीटी लगवा लेते हैं, लगभग 2 सीटी और लगवाते हैं। तो ये देखिए, हमने 2 सीटी और लगवाई है इसके, क्योंकि हमारा जो मटन था वो थोड़ा कच्चा रह गया था। तो ये हम 2 सीटी के बाद में हम कुकर का ढक्कन खोलते हैं, पूरी गैस को निकाल देते हैं और कुकर का ढक्कन खोल कर देखते हैं कि अब हमारी सब्जी परफेक्ट रेडी हुई है या नहीं हुई। तो ये देखिए, हमारी जो सब्जी है वो अब बिल्कुल परफेक्ट बन चुकी है, तैयार हो चुकी है, और ग्रेवी भी इसकी बहुत अच्छी बनी है। आप देख सकते हो, न तो ज़्यादा टाइट है और न ही ज़्यादा पतली है, बहुत ही टेस्टी सब्जी बनी है हमारी। तो ये देखिए, हमारी सब्जी कितनी टेस्टी बनी है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, अपनी फैमिली के साथ शेयर करें। तो ये हमारी सब्जी बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है, जैसा कि आप देख रहे हो। ये देखिए, अब हम इसको अलग बर्तन में निकाल कर सर्व कर देते हैं। तो अब हम इसको अलग बर्तन में निकाल देते हैं।
और ये देखिए, इसको अलग बर्तन में निकाल कर सर्व कर दिया है। आप देख सकते हो, अनुमान लगा सकते हो कि हमारी सब्ज़ी कितनी टेस्टी बनी होगी। बहुत ही शानदार सब्ज़ी बनी है हमारी। तो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। और आप एक बार घर पर बनाएं, खाएं और मुझे ज़रूर बताएं कि आपके फैमिली को हमारी रेसिपी कैसी लगी। और सब्सक्राइब के पास में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे मेरी हर नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो ये देखिए, हमारी ये सब्ज़ी है बिल्कुल रेडी हो चुकी है। देख सकते हो आप, बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनी है, बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बनी है। कलर भी बहुत शानदार आया है इसका। तो उम्मीद करती हूँ आप एक बार ज़रूर बनाएंगे मेरी इस रेसिपी को। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरा इस वीडियो को देखने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।